और इस वक्त की बड़ी खबर है, मुंबई गैंगरेप मामले में पहले आरोपी को पुलिस हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। 30 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दूसरे आरोपी को अब से थोड़ी ही देर बाद कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। आपको बता दें, बृहस्पतिवार को देर रात पहले आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता राजेश कुमार जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, जो पहला आरोपी था चरण सत्तार, उसकी कोर्ट में पेश हुई है और अदालत ने पुलिस सुनने के बाद 30 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने तमाम जो दावे थे वो रखे और तर्क रखा क्यों उसे हिरासत में भेजा जाना चाहिए। पुलिस ने कहा कि जो बाकी के आरोपी हैं, 3 आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, उनको पकड़ने के लिए उसका पुलिस रिमांड में रहना जरूरी है, क्योंकि ये वही शख्स है जो उनके बारे में बताएगा। तो अदालत ने पुलिस की दलील की सुनी और मानी और उसके बाद शाम को 30 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दूसरा अहम जो वाक्या कोर्ट में हुआ उसमें यह है कि कोर्ट के बाहर जो चांद के परिवार वाले थे वो लगातार दावा कर रहे थे कि चांद जो है वो जुवेनाइल है, उसकी उम्र जो है वो 16 साल है। पुलिस ने कोर्ट में साफ किया कि दो साल पहले चांद को एक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब उसकी उम्र 17 साल थी, तो अब उसकी उम्र 19 साल है। तो घर वालों का ये दावा पुलिस ने कोर्ट में खारिज किया है। जी चित्रा, चलिए बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। 30 अगस्त तक के लिए पुलिस हिरासत में, यानी कि 6 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में कोर्ट में भेज दिया गया है। मुंबई गैंगरेप मामले में पहले आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया है कोर्ट ने, जबकि दूसरे आरोपी की अब से कुछ ही देर के बाद पेशी होनी है।